संघर्ष के प्रतीक कर्मवीर भाऊराव पाटील। भाऊराव पाटील स्कूल के दिनों में एक विद्रोही व्यक्तित्व थे। वह स्कूली जीवन में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। वे विट्टा नामक गांव में अपनी स्कूली शिक्षा कर रहे थे। वे बचपन से ही सभी धर्मों के बच्चों के साथ खेलते थे। उस समय का समाज बहुत अंधविश्वासी था। एक बार खेलते समय उसने देखा कि वहाँ एक कुआ है। एक आदमी वहाँ पानी भरने आया। बाकी लोगों ने उसे कुएं से पानी नहीं लेने दिया क्योंकि वह नीची जाति का है। किनारे पर खेल रहे भाऊराव यह सब देख रहे थे। वह विद्रोही स्वभाव का था और सभी धर्मों को समान मानता था, इसलिए वह इस भेदभाव पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने भीड़ से कहा कि वह एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करे और उसके साथ सामान्य व्यवहार करे। भाऊराव पाटील की बात किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने यह भी कहा, जब तक यहाँ से हर कोई पानी नहीं ले पाएगा तब तक यहाँ से किसी को भी पानी लेने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ से किसी को भी पानी लेने नहीं दिया जाएगा। उसी दिन से हर जाति या धर्म के लोग उस कुएं से पानी लेने लगे। सत्य के मार्ग पर सभी धर्मों को समान मानने वाले भाऊराव पाटील सच्चे संघर्ष करता थे। इसका असर गांव के सभी लोगों के दिमाग पर पड़ा। परिणाम स्वरूप गांव में सभी को मंदिरों में जाने की अनुमति थी। इसी तरह सभी के बच्चों को स्कूल में जाने की इजाजत थी। सभी को काम और नियुक्तियों में हिस्सा मिलना शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप गांव में सभी के बच्चे अन्य बच्चों के साथ खेल खेलने लगे। साथ ही सभी महिलाएं भी अन्य लोगों के साथ पारंपरिक त्यौहार मनाने लगी। परिणाम स्वरूप गांव के अमीर लोगों ने अच्युत और गरीब लोगों को आर्थिक सहायता के साथ साथ भोजन आश्रय भी दिया और फिर वे दोनों उस गांव में खुशी खुशी रहते थे। इसलिए उन्होंने साबित किया कि वे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते थे। उस समय के भाऊराव द्वारा लिए गए कठोर निर्णय के परिणाम आज हम साथ साथ हैं।